अच्छा एक और चीज भी मैं कहना चाहूंगी इससे पहले आप आगे कंटिन्यू करें, मुझे यहाँ पे बहुत सी सिस्टर्स नजर आ रही है जिन्होंने निकाब पहना हुआ है, मेरे से तो पर्दा नहीं है। लेडीज में ऑब्वियसली जहां कैमरे ना हो, जहां सेफ्टी हो, वहां पे अलाउड है। मैं आपको बताऊं, मुझे अगर 100 times भी कहीं बैठ के हिजाब को ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, तो मैं करती हूं। क्यों जी? एग्जैक्टली। और जो लोग नहीं कर रहे होते ना, हमने उनको भी एक बहुत पॉजिटिव इमेज देनी है। जहां इजाजत है अल्लाह की लिमिट, वहां पे खोल दे, और ताकि उन लोगों को पता चले कि यहां खोला जा सकता है। आपसे किसी ने कभी पूछा है कि मतलब तुम सोते भी ऐसे ही सोते? इसी तरह हम जैसे लेडीज गैदरिंग में जाते हैं जहां कोई मर्द नहीं आता, तो मेक श्योर यू आर ड्रेस्ड अप। आप उनको सही प्लेसिंग हर जगह पे बताते हैं कि कौन सी चीज आप कहां कर सकते हैं। मैं सवाई जब मैं बहुत थकी हुई हूं, मैं कहती हूं मैं बहुत थकी हुई हूं, तब मैं नहीं उतारती। तो डॉक्टर कमल, आई एम श्योर बिकॉज सिंस ऑल ऑफ अस आर वुमेन ओवर हियर और एट वन पॉइंट, क्योंकि कुछ तो आप में से ऐसी हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मदर्स बन भी चुकी हैं और शायद अब ग्रैंड मदर्स भी बनने को जा रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जो अभी सोचती भी नहीं है कि हमने कभी माँ भी बनना है, बट एट द एंड ऑफ द डे बींग वुमेन दैट्स वट वी ऑल एंड अप विद, हमने बच्चे पालने हैं। सो वन क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड इज कि इज मॉडेस्टी ओनली फॉर गर्ल्स, और डू आई हैव टू मेक श्योर दैट माई सन इज ऑल्सो मॉडेस्ट? बिकॉज वेरी ऑनेस्टली इंडो पाक में हया जो है ना वो सिर्फ लड़कियों तक रिस्ट्रिक्ट कर, कि बेटी को हयादार होना चाहिए, बेटियां हया वाली होती हैं। व्हाट अबाउट द बॉयज? देखिए, जब कोई कहता है ना किसी लड़की को कि अम्मा कहती हैं या अब्बा, या सोसाइटी में जनरली बात होती है कि तुम्हें पता है गवर्नमेंट एक वो चला रही है कैंपेन। कौन सी कैंपेन? वो कैंपेन चला रही है कि सब लड़कियों को कवर करना होगा। अच्छा, तो लड़कों को चादरें पहनाए ना, सिक डेडी माइंडेड पीपल, उनको क्यों नहीं कुछ कवर करवाते? ये कॉन्सेप्ट बहुत एग्जिस्ट करता है। देखिए, अल्लाह सुबहाना ताला ने जहां पे सूरह नूर में वर्स नंबर 30 में व्हेन अल्लाह सुबहाना ताला स्टार्टेड गिविंग अस द कमांडमेंट फॉर हिजाब एंड हया, द फर्स्ट कमांडमेंट केम फॉर मेन। पहला हुक्म मर्दों के लिए आया था, क्या था? कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम, कि कह दीजिए तमाम मोमिनों को, टेल ऑल द बिलीविंग मैन दैट दे शुड लुक डाउन एंड दे शुड गार्ड देयर चेस्टिटी एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। एंड देन केम द कमांडमेंट फॉर वुमेन। सो द फर्स्ट कमांडमेंट इज फॉर मैन। व्हाई? बिकॉज वी आर मोर अट्रैक्टिव। हमें नहीं पहला हुक्म दिया गया, बिकॉज मर्दों को यूजली तमाम खवातीन बहुत प्यारी लगती हैं, सिवाय अपनी बीवी के जो लगनी चाहिए। मर्दों को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि उनके अंदर औरत के लिए बहुत एक अट्रैक्शन है। आप आजकल के साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें, दे वुड ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग। मैन वुड बी अट्रैक्टेड टू वुमेन नो मैटर व्हाट। मर्द को एक स्टेटमेंट देके खत्म कर दिया। औरत की स्टेटमेंट बहुत लंबी आई है, बिकॉज शी हैज सो मेनी थिंग्स अराउंड हर, उसका बोलना, उसका देखना, उसका स्टाइल, उसका बाहर निकलना, उसका आना जाना, एवरीथिंग इज अट्रैक्टिव। Now, we should not feel suffocated by this thought. We should take pride in this thing. मतलब मुझे कोई कहते हैं औरतों के लिए इतने हुक्म है, मैं कहती हूँ मैं हुई इतनी प्यारी हूँ खूबसूरत, इसीलिए सिंपल सी बात है। मर्दों के लिए कम, लेकिन मर्दों के लिए पहला हुक्म है। अब माओ का क्या काम है? माओ का काम यह कि अपने बच्चों को गद्दे बसर सिखाएं। अब मेरे पास क्लिनिक पे भी जब माएं बच्चे चेक करवाने आती हैं, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, तो जब वो चेक करवाने आती हैं तो वो क्या करती हैं, अब 10 साल का बच्चा है, चेक तो मैं करूंगी, एग्जामिन तो करूंगी एज अ डॉक्टर, लेकिन वो क्या कहती हैं, डॉक्टर साहब ऐसे हाथ मिलाओ। अब 10 साल का बच्चा हाथ आगे कर रहा है, आई डोंट शेक हैंड विद हिम एंड आई टेल हिम बेटा यू ग्रोन अप, आई एम सो सॉरी आई कांट शेक हैंड। एंड यू नो व्हाट्स द रिस्पॉन्स ऑफ, यूजली द रिस्पॉन्स ऑफ मदर, डॉक्टर साहब आपने उसको एम्बैरेस कर दिया। मैं कहती हूँ उसको एम्बैरेस होना चाहिए था, अगर आपने नहीं उसको ये सेंस दी, इज ग्रोइंग अप, यू हैव नॉट टोल्ड हिम टू लुक डाउन when there is a female around, you have not told him not to shake hand with any female. aapne usko ye sense kyun nahi develop ki ki beta tumne ye kaam nahi karna, cousins ke sath baith ke board games aur gapshap nahi lagani. shuru se bachchon ko sikhaya ki the boys will play with boys and the girls will play with girls. kitne behan bhai behan bhai behan bhai jud jud ke ro, ab wo behan bhai jawan hote hain phir bhi wo judne ke shaukeen hote hain. अब वहां पर अट्रैक्शन भी ज्यादा आनी शुरू हो गई है, मदर्स आर क्रिएटिंग बिगर प्रॉब्लम्स। फिर कहती है इसी एक भाई में से किसी एक को चुन के उससे शादी कर लो, वो कहती है मैंने तो उसको हमेशा से भाई समझा। मल्टीप्लाइड प्रॉब्लम्स आर देयर। शुरू से आप अलग डोमेन रखें, कोई आपके बच्चों को कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कोई ऐसा मसला नहीं होता।
आप बच्चों को बताएं द बॉयज विद द बॉय द गर्ल्स विद द गर्ल्स, हाँ लेकिन जब छोटे हैं थोड़ी बहुत खेल लिया बात कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ये हो कि नहीं, उनको हया का कॉन्सेप्ट हो, उनको हिजाब का कॉन्सेप्ट हो. आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था हदीस में, द फर्स्ट इन अनइंटेंशनल लुक इज पार्डनेबल बट दोबारा नजर नहीं पड़नी चाहिए. और हमारे तो वो जाते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर, और अम्मा भी खुशी खुशी, अम्मा को पता है कि मेरा बेटा फिल्में देख देख कर गाने सुन सुनकर पागल हुआ हुआ है, फैशन कैसे करता है. जब मैं कहती हूं अंडे डब रोटी ले आओ तो नाइट सूट में जाता है, कंघी भी नहीं करता. जब मैं कहती हूं बहन को लेने जाओ कॉलेज यूनिवर्सिटी तो आह हा तैयारी देखा करें. और अम्मा बड़े शौक से भेजती हैं अपने बेटे को, जाओ बेटा जाके बहन को ले आओ साथ लड़कियां भी देखते रहना. अंडर हैंड दिस इज द मैसेज. तो हमें बहुत मोहतात तरीके से अपने बच्चों को whether it is boy or girl, दोनों को यह concept देना है. Responsibility lies with both. Another important thing that the mother needs to tell their boys about haya and hijab is, एक औरत कितनी हयादार होनी चाहिए. ये जो इस वक्त का dilemma है कि लड़के accept नहीं करते शादी के वक्त कि मेरी बीवी properly covered हो, वो किसने ideology दी है? माओ ने दी है. The mothers have said, मैं तो तुम्हारी खूबसूरत बीवी लाऊंगी, सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी, रिपेंजल, मतलब वो सारी बेहयाई के जो मुजस्मे हैं वो माएं सामने ला ला के खड़ा करती हैं, ऐसी बीवी हो ऐसी बीवी हो. फिर बाद में रोती हैं कि मेरा जो बेटा है ही वॉन्ट्स अ किलर लुक्स गर्ल, क्योंकि ना उसको गद्दे बसर सिखाया, ना अपना निगाह झुकानी सिखाई, ना बताया कि हयादार बीवी होनी चाहिए. असल चीज हया है जो काम आनी है, जो तुम्हारी जिंदगी को स्ट्रांग बनाएगी. और इसीलिए आप देखें बहुत से हमारे जो केसेस आजकल निकल आते हैं, जब उन लड़कों को आदत नहीं है तो वो फिर क्या करते हैं, दे आर ऑन द स्क्रीन्स, व्हाट दे आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन्स, जस्ट फ्रेंड चैटिंग पे चैटिंग कर रहे हैं, चाहे ऑफिस की सेक्रेटरी है, चाहे वो वैसी लड़कियां हैं आंटियां हैं जो मर्जी है, दे आर विद देम. और मां बाप कहते हैं कोई बात नहीं, लड़के तो कर ही लेते हैं, मर्द हैं, मर्द तो ऐसे करते ही हैं. ऐसी कोई एक्सेप्टेबिलिटी आपको नहीं देनी चाहिए. दिस इज लाइक फॉर द फ्यूचर मॉम्स एंड ऑल्सो फॉर द करंट मॉम्स, जहां आप अपनी बच्चियों को बता रही हैं कि आपकी लिमिट क्या है, आपको अपने बेटे को भी बताना है कि बेटा आई नोटिस वी वर एट द वेडिंग और तुम देख रहे थे वहां लड़कियों को, यू शुड बी लुकिंग डाउन, वहां पर तुम्हें नहीं आना चाहिए. बेटा गैरतमंद मर्द वो होता है, हया वाला मर्द वो होता है जो अपनी बीवी को आगे दूसरे मर्दों के सामने एक्सपोज ना करे. एंड यू एज सिस्टर्स शुड बी टेलिंग देम द सेम थिंग कि भाई आपके अंदर तो फिर गैरत नहीं होगी अगर आप ये चीजें पसंद करेंगे. मैटर ऑफ फैक्ट एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया करें. अनदर थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज कि हाउ अर्ली शुड दिस स्टार्ट, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली हया इज समथिंग जो कि अगर मैं अपने लिए देखूं तो आई वुड बी मेकिंग श्योर दैट माई चाइल्ड इज चेंजिंग क्लोथ्स व्हेन नो वन इज लुकिंग, बट हाउ फ्रीक्वेंटली शुड इट बी रीइंफोर्स्ड, अर्ली चाइल्डहुड कब किस टाइम? देखिए हया का कॉन्सेप्ट देने के लिए यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली, इवन समटाइम बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न. यू हैव टू फर्स्ट सी व्हाट इज योर हया स्टैंडर्ड, माँ बाप का अपना कैसा है. जैसे एक माँ है, माँ का अपने लड़कों से पर्दा तो नहीं है, लेकिन आप अपने आप को फिर भी कितना एक्सपोज कर रहे हैं, आपका अपना सीना छाती तो छुपा के रखनी है बच्चे के सामने. हमारी माएं अपने आप को हमेशा कवर करके आती थी, चादर लेके रखती थी. अब माएं जो हैं वो उतनी ही ड्रेस्ड अप हो रही हैं, वो कहती है तो मेरा बेटा है, फुल फैशन किया हुआ है और अपने जवान बेटे के सामने वो सब कुछ चीजें एक्सपोज कर रही हैं. तो द वुमेन नीड टू अंडरस्टैंड दैट. फिर ये कि जब बच्चा छोटा है तो आप अपने बच्चे को छोटी छोटी चीजें अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना कितना सिखा रहे हैं, हया बोलने में, हया देखने में. बच्चा कार्टून्स देख रहा है, कहती मैं सिर्फ कार्टून्स दिखाती हूँ, उस कार्टून पे आपकी क्रिटिकल नजर होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसमें ड्रेसिंग कैसी है. हम जिस किस्म के उनको ड्रेसेस ला के देते हैं, हम बड़े खुश खुश कहते हैं मेरी बेटी तो वो फलां कार्टून देख रही है, फलां देख रही है, उस जैसे ड्रेसेस पहन रही है. कौन इंट्रोड्यूस करता है? बच्चा तो नहीं लेके आता, बच्चा तो नहीं कहता कि मामा मुझे शुरू से पता है सिंड्रेला कौन है और फ्रोजन कौन है और फलां कौन है, मुझे तो नाम भी नहीं अब लेटेस्ट पता. हम ही बताते हैं, उनकी जब पार्टीज करते हैं हम ही सारी चीजें सिखाते हैं. तो मीडिया कंजम्पशन कितनी ज्यादा है. मेनी टाइम्स व्हेन द किड्स दे कम टू अस विद सच इश्यूज
और जब हम उनको चेकआउट करते हैं कि ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज, ये कहां से सीखी, माँ कहती है मैंने तो कभी इनके सामने ऐसी बात बोली नहीं. फ्री एक्सेस टू इंटरनेट, आईपैड्स उनके पास होते हैं, टैब्स उनके पास होती हैं जिसपे ये बच्चे सारी चीजें देख रहे होते हैं. कोई बैंस नहीं लगाए, कोई उनको रोल मॉडल्स नहीं दिए. अच्छा, बच्चे छोटे हैं तो इतने वल्गर कपड़े पहनाती हैं माएं. मेरे लिए सबसे बड़ा डिलेमा ये है, एक हिजाब वाली माँ है और उसकी 6 साल की 5 साल की बेटी है और उसको मिनी स्कर्ट सी पहनाई हुई है और उसके ऑफ स्लीव्स पहने हुए हैं, उसने नंगा जिस्म है. और माँ पता है क्या कह रही थी, देखिए बड़े होके तो उसने कवर करना है, मैं चाहती हूँ सारी ख्वाहिशात पूरी कर ले. यू आर नॉट गिविंग हर दैट स्टैंडर्ड ऑफ हया. उसको शुरू से जिस्म नंगा रखने की आदत पड़ी हुई है और फिर जब हम उसको, जब वो आती है बालिग होती है, अब हम कहते हैं कवर करना शुरू करो, शी फील सफोकेटेड. उसके अंदर हया डेवलप ही नहीं हुई है, उसको ये चीजें सिखाई नहीं गई हैं, हलाल फन नहीं दिया गया, हर हराम चीज करने की इजाजत दे दी गई है. ये भी हया को खत्म करती है. दुआ नहीं की उसके लिए कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बाहया रखना, अल्लाह ताला फलां स्कूल में एडमिशन हो जाए और ये मार्क्स आ जाए और ये मिल जाए, दुनिया की तरक्की मिल जाए. हया के लिए हम कितनी दुआ करते हैं. आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में क्या कहा था, जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो. हया के बारे में क्या कहा गया है, हमेशा खैर लेके आती है. यानी जब आप हया के स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो आपको कभी ये दुख नहीं होना चाहिए कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ ऑफ माय किड. मैंने अपने बच्चे को हयादार बनाया तो अब उसका रिश्ता नहीं हो रहा, उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसको वो चीज नहीं मिल रही. तो ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इज आपको सब चैनल्स को देखना होगा, कहां कहां से उस तक ये चीजें आ रही हैं और उनको मैंने कैसे सही पैरामीटर पर लेकर आना है. अभी आपने ये बात की ना हया के लिए दुआ वाली, मैं ये सोच रही थी कि हमें हमारी माए या कोई कहता है ना कि थोड़ी हया करो तो हम ऑफेंड हो जाते हैं. यानी ऑल्दो ये बात है कि कोई अगर किसी को कहे कि तुम बहुत बेशरम हो या ऐसा तो वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर कोई आपको कहे ना कि थोड़ी हया करो या तुम भी हया करो या हमें हया करनी चाहिए, तो ये ऑफेंड होने वाली चीज नहीं है. हया एक ऐसी चीज है जो कि वही बात कि सिर्फ खैर लेके आती है. बिल्कुल. डॉक्टर कंवल, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकली दोज थिंग्स कि जो हम कॉमनली हाईली इमोडेस्ट काम कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. आई वॉन्ट टू जस्ट गो थ्रू देम जनरली ताकि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी आइडिया हो कि क्या नहीं करना. मैं ये समझती हूँ कुछ चीजें मैं बताऊंगी, कुछ चीजें आप भी बताएंगे इसमें. लाइक वी कैन मेक अ लिस्ट फॉर आवर सेल्स कि क्या क्या चीजें हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है. एक तो ये कि जो हमारी ओवरऑल ड्रेसिंग है एंड हाउ वी टॉक, ड्रेसिंग पे हम बहुत फोकस करें. वेयर एवर वी गो हम जरूर नजर रखें कि क्या मेरा ये मॉडर्स्ट ड्रेस है या मैं अभी इसमें भी सेक्सी लगने की कोशिश कर रही हूं, ये मॉडेस्टी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक जा रहा है कि नहीं जा रहा. ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम असेस अपने आप को करें. व्हेन यू लुकिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर, बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दिस थिंग. बिकॉज मैं आपको बात बताऊं, आई नो सो मेनी गर्ल्स विद हिजाब जिनके पीछे फिर भी लड़के लगे रहते हैं. क्यों? जबकि हिजाब हम कहते हैं आपको बचाएगा लड़कों से, क्यों लगे रहते हैं? Even more attractive. You are looking so attractive. और आपका हिजाब की कट बता रही है कि शी इज अट्रैक्टिव. एक हिजाब बता रहा है दिस इज फॉर मॉडेस्टी, एक हिजाब बता रहा है शी इज ट्राइंग टू लुक अट्रैक्टिव. ठीक है, इसका कलर से और ओवरऑल जो आपने कोई लेस है या कोई ऐसी चीज है उससे ताल्लुक नहीं है. यू विल सी समटाइम्स गर्ल्स एंड लेडीज हु आर वेयरिंग वेरी कलरफुल हिजाब, अबाई का कलर भी कुछ और है, उसकी कोई डिजाइनिंग भी उस पर हुई हुई है, लेकिन आपको ओवरऑल देख के पता चल रहा होता है कि ये एक मॉडेस्ट ड्रेस है. इसलिए तो अल्लाह ताला ने हमें कोई वो क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ कि भाई यही कलर होना चाहिए और यही कट होना चाहिए और यही, बस एक आपकी लुक से पता चल जाता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हम बात कैसे करते हैं. मैंने बहुत सी हिजाब वाली लड़कियों को देखा है जहां लड़के बैठे हैं वो केयरफुल नहीं होती. मार्केट प्लेसेस हैं, ये छोटे छोटे हम हमारे रेस्टोरेंट खुले हुए विच आर थ्राइविंग ऑन सच यंगस्टर्स कि वो वहां बैठ के गपशप लगा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, स्नैक्स कर रहे हैं और बस सब कुछ चल रहा है वहां पे. अगर आप बैठ के क्राउड में देखते हैं तो आपको हिजाब वाली लड़कियां भी वही काम करती हुई नजर आई. इवन इफ यू आर गोइंग ओवर देयर यू हैव टू सिट एंजॉय. कोई काम की बात भी है तो आपका ओवरऑल स्टाइल बताए कि नहीं यू आर नॉट इंडल्ज इन दैट. फिर ये कि फ्री मिक्सिंग जहां जहां है, ऑफिस इंस्टीट्यूशंस. मुझे अगर आप पूछें तो मैं एक जिस चीज के बारे में बात करूंगी, मेल टीचर्स हैं, मेल एचओडीज हैं, उनके साथ
इन्वॉल्वमेंट्स हैं पूरी पूरी, और वो कहती है हमें क्या नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह शादियां, एक हिजाब वाली लड़की को किसी ऐसी शादी का एक्टिव हिस्सा नहीं होना चाहिए जहां पे इतना मिक्स क्राउड है। जो आप में से हिजाब की लिमिट्स को समझते हैं और फॉलो करते हैं, यू शुड नॉट बी इन एनी मेहंदी। आजकल तो वैसे डॉक्टर कमल वलीमा और शाद बरात भी जो है ना वो बॉलीवुड की एक पिक्चर दे रही है, ऐसे जैसे हम कोई सिनेमा में जाके। देखिए आप ग्रेजुअली कट आउट करेंगे ना, अगर आपको लगता है आप सारी इवेंट्स अटेंड करते हैं, आप हर उस इवेंट को कट आउट कर दें अपनी लाइफ में से, आप बताएं कि मैं इस पे नहीं जाऊंगी। Why? Because you have to safeguard your modesty, your haya. आप वहां बैठ के क्या करेंगे मुझे बताएं आप। मतलब अब तो लड़के इतना नाचते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। दुल्हा दुल्हन नाचते हैं, कोरियोग्राफर्स बुलाए जाते हैं जो आपको पूरे स्टेप्स की प्रैक्टिस कराते हैं। स्टेज जी, स्टेजेस प्रॉपर स्टेजेस बने हुए होते हैं और लाखों रुपया उस पर बर्बाद हो रहा होता है। You can't be part of that. You have to put a stop to it. आपकी कजन है, आपकी फ्रेंड है, आपको कस्में वादे दे रही, आप भी तो दे सकते कि मैं तुम्हें कसम देती हूं तुम ना ये इवेंट करो। मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती, मैं तो खर्च जाती नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि हिजाब वाली लड़की ऐसे किसी इवेंट पे है जिसको अल्लाह के हुक्म की समझ है और जहां पर अल्लाह का हुक्म इतने बड़े लेवल पे तोड़ा जा रहा है। होता ना कि चलो जी ढोलक रखी हुई है, थोड़ी सी बच्चियां कर रही हैं, कभी शायद एक्सीडेंटली कोई अंदर आ जाए, वैसे तो शायद ना आए, फिर भी वहां पे कोई गुंजाइश निकल आती है। लेकिन जहां पे ओपन आपको पता है सब कुछ हुआ है, एंड यू आर सिटिंग देयर एंड यू आर क्लैपिंग, यू सिंग, मैं तो नाच नहीं रही, लेकिन आप उनको क्या करें, यू आर द चीयर लीडर, करो 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 करो, अब अगला डांस और आपकी मूवीज बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये शादी पे भी जूता छुपाई में हिस्सा लेना, दूध पिलाई में हिस्सा लेना, करीबी रिश्तेदार भी है लेकिन वहां लड़के हैं तो आप उसमें नहीं हिस्सा डाल सकते। आपके मैं निकाब पहन के ना किसी मजाक कर लूंगी, दैट्स अगेंस्ट योर हया, यू कांट, आपसे किया नहीं जाएगा। मैं आपको बता रही हूं, अगर आपने हिजाब और हया को समझा, आपका कदम नहीं उठेगा। इस हद तक अपने आप को पॉलिश करना है। If you have your own standing, if you're confident about it, nobody dare ask you. अच्छा, अगर कोई पूछ भी ले, smartly answer, smartly respond. इसी तरह मार्केट प्लेसेस चलते हैं, सेंटोरस शॉपिंग करने, ठहरे मैं जरा तैयार हूं कि आई, मेकअप शुरू हो गया, परफ्यूमरीज शुरू हो गई, हम वहां जा रहे हैं अगर शॉपिंग करने तो बस हम शॉपिंग करने जाए। ईटिंग आउट भी अगर कर रहे हैं, हमारा ड्रेस कवर्ड हो, वहां पर हम दूसरों के लुत्फ का सामान ना बने। The guys who are there, they are just to enjoy. उनके 100 रुपए के टिकट भी लगा दो तो वो कहते हैं 100 रुपए की टिकट में मुफ्त की मूवी है, सिनेमा जाएंगे तो 1000 रुपए। अच्छा, इसी तरह ऑफिस कल्चर्स, दीज आर द प्लेसेस जहां पर आपकी ओपन वहां पर ये सारी चीजें हो रही होती हैं। ऑफिस कल्चर में आप जाएं, अपना काम करें, आ जाएं। जो लड़कियां रोती हैं, लड़कियां डिप्रेशन का मरीज बन जाती हैं, वो कहती हैं वहां पे बहुत बुरे काम हो रहे होते हैं और आई फील सो लेफ्ट आउट, आई फील सो मिजरेबल। व्हाई डू यू फील मिजरेबल? देखिए, दिस हया शुड मेक यू इनटू अ डायनेमिक पर्सन। आपने उनको मिजरी देनी है, यानी ऐसे मिजरी नहीं देनी कि कहीं आप हराम कर रहे हैं, आप बुरे हैं, आप ऐसे हैं। मिजरी का मतलब यह है कि आपका प्रेशर उन पे जाना चाहिए, उनका दिल चाहना चाहिए कि हम ये काम करें। वो गिल्टी खुद से फील कर, आप उन्हें गिल्ट नहीं कराएंगी, उनको फील हो। आपने ऑफिस कल्चर्स को भी इस तरह से चेंज करना है, बिकॉज बहुत खराब कल्चर्स हैं, लड़कियां बहुत मिसयूज हो रही हैं, अब्यूज हो रही हैं। हम उनके लिए शील्ड बने। जो बच्चियां अपने आप को नहीं बचा सकती विद हिजाब एंड हया, यू हैव दैट इनर स्ट्रेंथ, यू हैव दैट क्लैरिटी, यू कैन सी थ्रू थिंग्स। Let's enter in all those platforms with full force and protect everyone over there.